बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिस्ट जान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल क्रोकेट से बनी हुई दुपट्टे की बेल्ट डिजाइन लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखिएगा ताकि बहुत सारे आइडिया मिलेगी। आइडिया डिजाइन बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही डिजाइन से। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और लोड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने का शुक्रिया। आप खुद भी देखिएगा, अपनी फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा डिज़ाइन पसंद आया। इसी स्टाइल डिजाइन में हम तारकशी बनाने का तरीका भी दिखाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड, सदका जारिया समझ कर हेल्प कीजिएगा, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ये देखे फ्रेंड कितना आपके लाइट डिजाइन है। वाइट और पिंक में बीट्स भी लगे हुए हैं। ये पिंक कलर का देखें आप, कितना आपकी लाइट डिजाइन है। ये येलो देखें, बहुत ही प्यारे प्यारे से डेढ़ से डिजाइन है। ये देखें वाइट। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी ये आइडिया डिजाइन बहुत पसंद आए होंगे। जब मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरी वीडियो का विजिट करती है तो मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहनों को जमान में रखे, आमीन। ये देखे फ्रेंड, ये भी येलो बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा नीट सा डिज़ाइन है। ये वाइट देखे, बहुत ही प्यारे प्यारे से ये डिज़ाइन है। अगर आपको कोई और डिजाइन पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वही डिजाइन लेकर आएंगे। इसमें से कोई भी डिजाइन पसंद आए आप फिर उतार कर किसी से भी बनवा सकती है, बहुत ही नीट से डिजाइन है। कलर आप अपनी मर्जी से यूज कर सकती हैं, ड्रेस में भी मैचिंग कर सकती हैं। ये देखिए पर्पल और लाइट ब्लू देखे कितना प्यारा है। प्लीज़ फ्रेंड, दुआ बहुत सारा याद कीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का पहले से पहले अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टाइलिश डिजाइन के साथ। बहुत प्यारे प्यारे क्रोकेट की बेल्ट डिजाइन लेकर आएगी और तारकशी डिजाइन लेकर आएगी, तारकशी बनाने का तरीका भी दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।